स्टार्ट करते हैं HTML। सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर जाएं, ब्राउज़र पर टाइप करें ओएस आज़म टेक्निकल, एंटर करें। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट आ जाएगी, ओएस आज़म टेक्निकल blogspot.com। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर होम का टैब होगा, उस पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद आपको इधर ट्यूटोरियल पर होवर करना है। ट्यूटोरियल में आएगा ये पुरानी वीडियोज़ हैं जो हम कर चुके हैं, ट्यूटोरियल हैं। उसके बाद ये HTML एंड CSS ट्यूटोरियल है, इस पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद आपको एच इंट्रोडक्शन HTML एंड CSS इस पर क्लिक करना है, इस पोस्ट पर। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन HTML एंड CSS ट्यूटोरियल 1 की पोस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो HTML क्या है? HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML जो है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इज अ लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स अपीयर ऑन वेब पेज। ये डिफाइन करती है कि एक टेक्स्ट और ग्राफिक्स को हम एक वेब पेज पर किस तरीके से उसको लाते हैं। ठीक है, व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट www.google.com योर वेब ब्राउज़र रिट्रीव्स द HTML वेब पेज एंड रेंडर इट। ठीक है, इसका मकसद ये है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो जो ब्राउज़र होता है वो उसकी आपका जो ब्राउज़र है वो HTML की कोडिंग को रीड करता है, उसके बाद उसको फिर रेंडर करके हमें शो कराता है। देखो, द HTML पेज इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर दैट इज होस्टिंग ऑन द वेबसाइट एंड द पेज इज सेंड टू योर वेब ब्राउज़र टू सी वट HTML लुक लाइक टू गो टू योर वेब ब्राउज़र एंड व्यू मेनू एंड सेलेक्ट यू सोर्स। ये कह रहा है कि एक वेब ब्राउज़र जो है, हम किसी से वेबसाइट को खोलते हैं, वेब ब्राउज़र जो हमारा ब्राउज़र है इससे हम कोई अगर वेबसाइट खोलते हैं तो जो वेब ब्राउज़र जो होता है वो वेबसाइट के अंदर वेबसाइट जो होती है वो HTML पर तैयार होती है। HTML उसका टेक्स्ट होती है, कोडिंग होती है। ठीक है, ब्राउज़र जब HTML को ओपन करता है, उसको HTML को रीड करता है, तो उसके बाद फिर वो रीड करने के बाद हमें रेंडर करके वो हमें उसकी सही जो उसकी कोडिंग होती है वो हमें फिर आउटपुट शो कराता है, समझे। और वो जो HTML होती है वो कहाँ होती है? वो वेबसाइट पर होती है। और वेबसाइट कहाँ होती है? वेबसाइट होती है सर्वर पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सर्वर क्या है और वेबसाइट क्या है और ब्राउज़र्स क्या हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, टू सी वट HTML लुक लाइक टू गो टू योर ब्राउज़र मेन्यू एंड सेलेक्ट व्यू सोर्स। ये कह रहा है अगर आपको अपने वेबसाइट पर जो HTML है वो देखनी है, किसी भी वेबसाइट की HTML को देखने के लिए हम उस भले कोई सी भी वेबसाइट हो, कोई सा भी पेज हो, उस पर जाकर सिर्फ राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पेज व्यू सोर्स। इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये हमारी सारी कोडिंग आ जाएगी। ये सारी कोडिंग है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है HTML डॉक टाइप HTML, तो ये हेड HTML हेड लिंक मेटा, ये पूरी एक वेबसाइट है जिस पर सिर्फ HTML है नहीं, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन HTML जो है वो हमारी लैंग्वेज है जिससे ब्राउज़र जिससे एक पेज तैयार होता है वो HTML है। तो इसलिए देखो HTML की जो लैंग्वेज है वो टॉप पर है। उसके बाद अब अंदर हम जाएंगे तो अंदर हमें CSS और JavaScript वगैरह मिलेंगी, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। मेन जो लैंग्वेज जो हमारी बॉडी जो है वो HTML पर तैयार होती है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्राई आउट टू सी। देखो ये जो है HTML का स्ट्रक्चर है,
HTML का स्ट्रक्चर है, इसे ज़रा ध्यान से इसको इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। मुश्किल नहीं है, देखने मुश्किल लगेगा लेकिन है आसान अगर आप समझ चाहो कॉन्सेप्ट, अगर सही समझो। ठीक है, HTML हमें शुरू करने से पहले, ये HTML जो है ना, कोई भी लैंग्वेज हो, पहले आप कंप्यूटर में कोई भी लैंग्वेज होती है वो टेक्स्ट पर मुश्तमिल होती है। उसका एक टेक्स्ट होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका एक तरीका होता है। भले कोई सी भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे ग्रामर्स रूल्स होते हैं, उनसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं। इसी तरह जो लैंग्वेज है इसमें ग्रामर्स, जो ये जो लैंग्वेज है इसमें टैग्स वगैरह होते हैं, इनका रूल्स ये है। ठीक है, इनका रूल्स ये है, अगर आपको कोई भी चीज़ आपको करनी है HTML में, अगर आपको चार हो कुछ करना तो आपको ब्राउज़र को बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो आपको ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि भाई ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अगर आप कोई हेडिंग डाल रहे हो तो ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि मैं हेडिंग डाल रहा हूँ। अगर आप कोई इमेज डाल रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या उसका क्या तरीकेकार है कि आपको टैग्स के बीच में लिखनी पड़ेगी वो चीज़। जैसे टाइटल है तो अगर मुझे ब्राउज़र में टाइटल डालना है तो भाई अब मैं तो टाइटल में तो लिख दूंगा यहाँ पे माई फर्स्ट पेज। अब ब्राउज़र को ये कैसे पता लगेगा, ब्राउज़र बोल रहा हूँ HTML को ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो है हमारा टाइटल है, ये हमारा कैसे पता लगेगा। वो ये है कि जो टाइटल देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है टाइटल टाइटल, तो इनके टाइटल का ये टैग है, इसके बीच में हमें लिखना पड़ेगा ताकि ब्राउज़र्स को और HTML को पता लग सके कि ये कि भाई इस बंदे ने ये टाइटल डाला है इस जगह। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि टैग्स जो होते हैं ना, टैग्स हमेशा दो चीज़ों पर होते हैं, स्टार्टिंग टैग क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब देखो टाइटल, अगर मुझे टाइटल डालना है ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक अंडरस्कोर ये अपना ब्रैकेट ओपन करूँगा। ठीक है, उसके अंदर मैं टाइटल लिखूँगा, उसके बाद टाइटल को यहाँ से क्लोज करूँगा। तो ये टोटल हमारा, ये हमारा जो हुआ ये हमारा स्टार्टिंग टैग हुआ, ये एक तरह ये है स्टार्टिंग टैग। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा है क्लोजिंग टैग, एक होता है स्टार्टिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग था, ये क्लोजिंग टैग था। अच्छा, स्टार्टिंग टैग क्लोजिंग टैग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ये क्लोजिंग टैग्स में हमें यह स्लैश लगाना पड़ता है, ये ब्रैकेट के बाद स्लैश लगा के इसे क्लोज करना पड़ता है, और स्टार्टिंग टैग में हमें सिर्फ ये लिखना होता है टाइटल बस, सिर्फ समझे। तो इसका ये तरीक़ेकार होता है, और हर टैग कोई भी HTML का टैग हो उसके हर टैग में का तरीक़ेकार बिल्कुल यही है। अगर ये बेसिक चीज़ें, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए तो आपके लिए HTML बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, अब अगर जैसे अब मेन कॉन्सेप्ट समझें, देखें अब कोई अगर इंसान है तो उसकी हम अगर चेक करें तो उसके सर है, फिर बॉडी है उसकी, फिर उसके पाँव हैं। ठीक है, ऐसे ही HTML का जो स्केल्टन है इंसान का, जिस तरह स्केल्टन होता है उसका भी इसी तरह कॉन्सेप्ट उसका है। ठीक है, HTML को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखो HTML लिखते हैं, HTML अंडर ब्रैकेट HTML, और ये HTML, ये ब्रैकेट क्लोज का वो टैग लगा है, दो ब्रैकेटों में HTML लिख दिया। ठीक है, तो जो एंड वाला है उसमें हमने ये स्लैश लगा दिया ताकि हमें समझ में आए। अच्छा, ये जो स्लैश हैं ये एक दो और ये स्टार स्टार, ये आपको हटाने हैं। ठीक है, ये मैंने अपने पास से लगाए हैं ताकि आपको ये शो हो सके। ठीक है, अगर मैं ये टैग हटा दूंगा तो हमारा जो ब्राउज़र है वो हमारी HTML को रीड कर लेगा और ये टैग इस टैग को हाइड करके सिर्फ टेक्स्ट शो कर देगा। ठीक है, कोडिंग नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने ये कोडिंग, अच्छा हाँ, अगर कोई भी अगर आपकी कोडिंग रॉन्ग होगी, गलत होगी ना, तो वो ब्राउज़र आप आउटपुट में आपका वो उसको रेंडर नहीं करेगा, आउटपुट में शो आ जाएगा। तो इसी वजह से ये इसने मुझे शो कर रहा है। तो ये अगर मैं हटा दूँ, वैसे आप अगर जब इसको कोड में करेंगे तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ भी आप ये देखेंगे कि ये टैग्स लगे हुए हैं, पूरे पूरे वेब पेज में कोडिंग लिखी है ना, उसके स्टार्ट में एक टैग ये स्लैश लगा है, आपको स्लैश हटा कर फिर उसको रेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये HTML शुरू करने से पहले हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, उसके अंदर सिंपल हम टाइप करेंगे HTML और HTML, दो जगह आपने लिखा, उसके बाद आपने उसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। चले, मैं ऐसे समझ नहीं आएगा, चलो मैं ट्राई करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये हमारा नोटपैड खुल गया। ठीक है, HTML का स्ट्रक्चर क्या है भाई, एक हमने ब्रैकेट ओपन किया, उसमें लिखा HTML, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा लिखा HTML,
XML, जैसा मैंने आपको टैग्स में बताया था कि टैग्स किस तरह होते हैं, ठीक है। ये हमने डो ये टैग ओपन में भी क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम सारा HTML का अपना टैग लिखेंगे। अच्छा, क्लोजिंग टैग्स में हम क्या स्लैश लगाते हैं लाजमी, ठीक है, स्लैश लगाते हैं। उसको लगाने के बाद हम उसे इंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, HTML जो है, जिस तरह इंसान में एक सर होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका पैर होता है, इसी तरह HTML का भी यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। HTML में हमें क्या करना पड़ेगा, दो टैग्स का इस्तेमाल करना है, एक उसका सर और एक उसकी बॉडी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें एक टैग लगाना है हेड का, HEAD, हेड, ठीक है। उसको हमें फिर करना है क्लोज, हेड का टैग लगा कर उसको ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद फिर हम एक और टैग लगाएंगे बॉडी का, बॉडी, ठीक है। उसके बाद हमने ये बॉडी का टैग क्लोज कर दिया। वह बॉडी के टैग के क्लोज में हम स्लैश लगाएंगे, ताकि हमें पता लगे, ब्राउज़र्स को पता लगे कि ये टैग यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। ये है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हेड जो है, हेड में जिस तरह इंसानों के स्केल्टन में हेड में दिमाग होता है, ठीक है, इस तरह HTML में भी हेड में जो है, वो हमारी जो मेन मेन जो हमारी फाइल्स वगैरह होती हैं, सिर्फ वो ही हेड में आएंगी, ठीक है। बाकी जो हमारा सारा काम होगा वो बॉडी में होगा। अच्छा, एक और एक चीज़ है, फूटर, फूटर, ठीक है। ये आ गया फुटर, ठीक है, फुटर को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया सर, ये आपका हो गया बॉडी, ये आपके हो गया पैर। HTML की जो लैंग्वेज है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि HTML की लैंग्वेज, बैंक HTML में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ, अब ये जो कोड है, ये कंपलसरी कोड है, समझ रहे। ये जब तक आप ये कोड नहीं लिखेंगे, आपका कोड जो आपका जो कुछ भी है वो रन नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ये टैग HTML का जो ये बिहेवियर है, इसको लाजमी आपको करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपने जो, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, टाइटल, ठीक है। अब हमें किसी अपने वेबसाइट का टाइटल देना है। टाइटल क्या क्या होता है, टाइटल ये होता है, जैसे मैंने वेबसाइट खोली है, यहाँ मेरे आइकन के बराबर में ये लिखा हुआ रहा है एकदम टेक्निकल, तो ये जो है, ये मेरी वेबसाइट का एक टाइटल है, समझ रहे, टाइटल है, ठीक है। टाइटल हमेशा जो है, हम वो हेड में देते हैं, क्योंकि ये ऊपर का काम है, हेड मतलब ऊपर ऊपर का काम है, ठीक है। अब यहाँ हमने टाइटल दे दिया इसको, TIT, जो जो इस इंग्लिश में जो स्पेलिंग होती है ना टाइटल की, हो सकता है ये गलत लिखी हो, मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं सही है, हाँ, जो स्पेलिंग्स होती है ना, वही स्पेलिंग रहेगी, स्पेलिंग बिल्कुल सेम रखना है, स्पेलिंग गलत ना, स्पेलिंग का ख्याल रखना, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपने टाइटल के टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आपका टाइटल हो, जैसे मैं रख रहा हूँ, वैसे आज मैं अपना नाम लिख लूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया टाइटल, ये मेरा आ गया टाइटल का टैग। तो अब यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया टाइटल, और बाकी जो फाइल्स वगैरह होंगी, हेड में जो कुछ भी होता है वो आपको शो नहीं होता, समझे। हेड में जो होता है वो शो नहीं होता, वो एक उसकी मेन स्टोर है, उसका फाइल्स वगैरह आपको जो कनेक्ट, अभी हम आगे करेंगे, आपको और एक्सप्लेन करूँगा मैं, जब इसमें काम करेंगे ना तब समझ में आएगा। वो बॉडी में जो हमें रखना होता है, वो हमें डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले का जो हमें करना होता है ना, वो हम बॉडी में रखते हैं, वो जो एक अलग से वो जो है उसमें रखना पड़ता है। और वेबसाइट के बिल्कुल नीचे जो हमें रखना होता है ना, वो हम रखते हैं फुटर के अंदर, ठीक है। फुटर के हम अंदर हम वो सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। अब जैसे हेड में मैंने ये टाइटल रख लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने ये बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी में क्या है, देखो बॉडी में क्या है, अभी क्या है, H1 अलाइन सेंटर माई फर्स्ट पेज H1। देखो अलाइन सेंटर जो है, इसको भूल जाओ, देखो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं भाई, जैसे हम बॉडी है, हमने भाई इसमें टेक्स्ट लिख दिया गया के माई हेडिंग, ठीक है, हमने इसको हेडिंग लिख दिया, ठीक है, हमने तो लिख दिया, हम तो रन कर देंगे, सेव करके जब हम ओपन करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा भाई, कि हमने तो हेडिंग लिखी है, वो इसलिए क्योंकि हमने हेडिंग लिखी है,
ये ब्राउज़र को तो नहीं पता, ये HTML को तो नहीं पता। HTML को कैसे पता लगेगा कि भाई कि ये हेडिंग है? HTML को पता, ब्राउज़र को बताने के लिए हमें हेडिंग का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। हेडिंग का टैग है H1। मैंने H और H1 किस तरह करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, H1 लिखेंगे, ठीक है, उसको फिर हम जो है क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे H1 दोबारा लिखेंगे, दोबारा करेंगे, और फिर यहाँ पे हम इसको फ्लैश लगाएंगे, ठीक है। अब हम जब इसको रन करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह आएगा, जिस तरह ये फॉलो बाय ईमेल लिखा है इस तरह टेक्स्ट आएगा, बड़ा डार्क और बोल्ड जो है हमारा टेक्स्ट आएगा। तो इससे ब्राउज़र को पता लगेगा कि भाई ये हेडिंग का टैग है, हेडिंग 1। हेडिंग जो होती हैं वो 5-6 किस्म की हेडिंग होती हैं। अब जिस टाइप की हमें, जैसे एक ये हेडिंग है, एक इससे छोटी एक हेडिंग होती है, इससे बड़ी भी एक हेडिंग होती है, ठीक है। वो हेडिंग के टैग हम जब टेक्स्ट का ट्यूटोरियल पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल एक बता रहा हूँ ताकि आपको एक समझ में आए कि भाई क्या चीज़ है, ठीक है। अब हमें भाई हेडिंग लिख ली, अब हमें हेडिंग के नीचे डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? पी का टैग, जिसे पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। पी का टैग हमने यूज़ करा, ठीक है। पी के टैग को क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ पर अपना जो भी हमारा डेटा वगैरह है जो हमें लिखना होगा, जैसे एज इट इज़ वो हमने सारा लिख लिया। यहाँ लिख कर हमने इसको सारा वो लिख कर उसके बाद हम इसको सेव करके फिर जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें शो हो जाएगा ब्राउज़र पर। चलें अब इसको मैं रन कर कर भी दिखाई देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये हमने सेव एस करा। ये काम जो है ना बहुत ध्यान से करना। नोट पैड पर हमने सारा अपना टेक्स्ट का कोड लिख लिया, ठीक है। कोड लिखने के बाद हमने इसे सेव एस पे करा, ठीक है। अब ये सेव एस कर रहा है तो ये पूछ रहा है कि हमें इसको लोकेशन बतानी है कहाँ पर। अब भाई हम इसको डेस्कटॉप की लोकेशन बता देता हूँ मैं अपनी, ठीक है, डेस्कटॉप पर, ठीक है। अब ये जो है ये फॉर्मेट है TXT, ये फॉर्मेट है। अब नोट पैड का जो एक्सटेंशन है नोट पैड की वो है TXT, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम तो नोट पैड की फाइल तो नहीं बना रहे, हम तो HTML की फाइल बना रहे। तो हमें यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से वेबसाइट लिखकर जो भी हमें नाम लिखना है उसके बाद .html लिखना है, ठीक है। ये लाजमी लिखना, कोई भी आप वेबसाइट बनाओ तो उसके बाद .html लाजमी आपको वेबसाइट में लिखनी है, जिससे आपकी फ़ाइल जो है ना वो HTML की बनेगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मैं कर दूँ सेव। अब ये मेरी फाइल सेव हो गई, अब जाके इसको रन करते हैं। HTML कहाँ गई, कहाँ गई, देखो ये आ गई, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, ये एक पेज बन गया है, देखो वेबसाइट का एक पेज हो गया, या नोटपैड की फाइल नहीं है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा पेज ओपन हो गया, ठीक है। ये हमारा इसका पेज ओपन हो गया, इसको मैंने डबल क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ से हम दोबारा इस नोटपैड पर ही आएंगे, ठीक है। दोबारा हम इस नोटपैड पर आएंगे, ठीक है। ये मैंने कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आए, ठीक है। यहाँ मैंने ये देखा, ये डॉक टाइप है, ब्रैकेट में ये स्लैश, इसमें डॉक टाइप HTML ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा HTML है, स्टार्ट और क्लोज, ये हमारा हेड है, ये हमारा हेड है, और ये हमारा टाइटल है, पेज टाइटल, ठीक है। और ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, सिंपल बॉडी है ये। यहाँ से यहाँ तक ये H1 में हमने हेडिंग डाली है, और ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से सेव किया है, इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ डेस्कटॉप पे जहाँ मैंने सेव किया है वहाँ मेरा ये ऑप्शन आ गया है वेबसाइट का ना, इस नाम की फाइल है। इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये सिंपल मेरा ब्राउज़र पर ओपन हो गया, ठीक है। मेरे ब्राउज़र पर ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पेज टाइटल मैंने लिखा है, पेज टाइटल, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने पेज का टाइटल मुझे जो भी रखना हो, ठीक है, वो मैं टाइटल लिख दूँ, अवैस आज़म, ठीक है। तो ये मेरे पेज का टाइटल हो गया, ठीक है। ये अभी हमें शो नहीं कर रहा कि हमने इसको सेव नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँ कुछ भी, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, ठीक है।
चेंज हो गया, टाइटल चेंज हो गया, नाम भी चेंज, पैराग्राफ हमारा चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी हेडिंग है, ये हमारी हेडिंग वही है क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। वैसे आपको इसका स्ट्रक्चर तो समझ आ गया होगा कि मेन स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ें, ये सब स्ट्रक्चर है। एड एड हमने क्या किया है, कंपलसरी है। हमने क्या एड क्या किया, ये हमने टाइटल का टैग हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। ये टैग हमने इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल किया। अच्छा, इसका जो अपना कंपलसरी टैग है ना, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये जो टैग है ना, इसको अपने पास सेव कर लें, अपने पास कहीं सेव करके रखें, ताकि आपको फिर बार बार ये कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ये कोड अगर आपने गलत लिख दिया तो हमें पेज में कुछ शो नहीं होगा, इसकी वजह ये है। तो ये पेज जो है ना, टेक्स्ट जो आपको अलग लिखना पड़ेगा। मैंने वेबसाइट पे भी इसको सेट कर दिया है, ठीक है। डॉक टाइप HTML, HTML हेड, ये पेज का टाइटल आ गया, हमारा हेड आ गया, ठीक है। ये इसका HTML का एक बेसिक बिहेवियर है, जो स्टार्ट बिहेवियर है ना, वो ये है HTML, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन तो उसकी बहुत लंबी है, ये तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अभी फिलहाल में जो समझाने की चीज़ें वो मैं जल्दी जल्दी समझा दूँ, ताकि टाइम भी हमारा कम लगे और वीडियो भी हमारी ज़्यादा लंबी नहीं हो, ठीक है। सेव द पेज एज माई पेज डॉट HTML, ओपन द फाइल योर इंटरनेट ब्राउजर टू व्यू हाउ टू पेज शुड लाइक गिव। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, इसको सेव करके यहाँ से ओपन करा है। उसके बाद हमने बिहेवियर इसका चेक किया, सारी वही चीज़ें हैं ये सब ना, ठीक है। HTML का स्ट्रक्चर, HTML स्ट्रक्चर, ठीक है। HTML का स्ट्रक्चर है ये, डॉक टाइप HTML, ठीक है। डिक्लेरेशन, ये डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है कि डॉक्यूमेंट HTML5 का ही, जो डॉक टाइप HTML जो है ये HTML5 में आया है, ठीक है। HTML4 में ये नहीं था, उसके बाद ये HTML5 में आया, ठीक है। ये डिक्लेयर करता है कि हम HTML5 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेब पेज में आपको ये सब लिखना हो जो स्ट्रक्चर कीजिए, बाकी बाकी हेड है, HTML है, टाइटल है, बॉडी है, ये सारी इसकी चीजें हैं, ठीक है। ये आप लोग इसे रीड कर लेना बाद में, ठीक है। HTML टैग्स, टैग्स का मैंने आपको बता दिया कि HTML में टैग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओपन और क्लोज, ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है, ठीक है। जो भी हम टैग लगाना है, जैसे टाइटल लगाते हैं, हम बीच में टाइटल लिखेंगे, यहाँ स्लैश के बाद यहाँ टाइटल लिखेंगे, तो हमारा टाइटल का टैग तैयार होगा। HTML में टैग इस तरह तैयार किए जाते हैं, इस तरह ये पी का टैग है, ठीक है। पी हमने यहाँ लगाया, यहाँ स्लैश लगाया, ये मेरा पी का टैग है, ठीक है। अच्छा, और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, टैग्स का जो इस्तेमाल हम करेंगे वो इसमें या इसमें, ठीक है। इन दो चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। हेड में आप कोई कोई टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हेड में जो जो टैग इस्तेमाल होते हैं हेड में, वो मैं आपको बता दूंगा। हेड में आपको कोई टैग इस्तेमाल नहीं करना, आपको बॉडी में सारे टैग इस्तेमाल करने, ठीक है। हेड में जो टैग होते हैं वो ब्राउजर पर शो नहीं होते, क्योंकि हेड में वो टैग होते हैं। हेड में आप पी का टैग और जो अपना H1 का टैग, ये सब चीज़ें हेड में इस्तेमाल नहीं करना, इससे पेज हमारा ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो हेड में आपको अपनी तरफ से कोई टैग इस्तेमाल नहीं करेगा, जो मैं आपको बताऊं टैग, वो सिर्फ वही टैग हेड में इस्तेमाल होंगे। बाद में जब हम टैग्स की बात करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा हेड में कौन कौन से टैग होते हैं, ठीक है। बॉडी में आप कोई सा भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको कोई वेबसाइट पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा बॉडी में, क्योंकि बॉडी जो है वो है ही टैग्स के लिए, ठीक है। जो हेड जो हमारा है वो सिर्फ हमारे मेन, उसमें हम सिर्फ मेन टैग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर टैग आप हेड में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे टैग थे, ठीक है। HTML में एन एलिमेंट, एन HTML एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग एंड टैग विद द कंटेंट इंसर्ट बिटवीन, ठीक है। ये टैग है हमारा, और टैग के अंदर जो जो कुछ हमने लिखा है, ये हमारा एलिमेंट होता है। HTML में एलिमेंट जो होता है वो, जैसे हमने ये टैग लगाया, ठीक है, ये तो हमारा टैग है, और टैग के बीच में हम जो भी टैग्स लिखे हैं, जो भी कुछ लिखे हैं, वो हमारा एलिमेंट कहलाता है, नहीं। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग एंड टैग, यानी HTML का जो टैग, HTML में जो एलिमेंट होता है वो वही होता है जो स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में हो, ठीक है। HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, अच्छा, HTML, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है, ये एक टैग है, लिंक का टैग है ये ना, ये, अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था, जो स्लैश ब्रैकेट के
से पहले जो स्लैश है ये आपको काउंट, ये आपको नहीं लिखना है ठीक है। ये मैंने सिर्फ डिस्प्ले हो जाए इस वजह से मैंने ये टैग लगाया है, ये स्लैश लगाया है, स्लैश को आपको हटाकर आपको यूज करना है कोई भी अगर टैग यूज करना ना। जैसे मैंने सिंपल इसको कॉपी किया कंट्रोल सी, उसके बाद में यहाँ मैं बॉडी के टैग में इसको ना पेस्ट कर दिया ठीक है। पेस्ट करके मैंने इसको, ये हमारा एंकर टैग है, इसको कहते हैं एकर टैग, एंकर टैग ठीक है। फिलहाल आपको ये नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं समझना है ठीक है। मेन जो आपको चीज समझनी है वो ये चीज है HREF। ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, कोई हर टैग्स के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है ठीक है। अब जैसे हमने H1 का टैग इस्तेमाल किया था तो उसके अंदर करके दिखाता हूँ, H1 ठीक है। अभी H1 का टैग है, इसमें तो हमारा टेक्स्ट आ गया ठीक है। अब टेक्स्ट के पहले, टेक्स्ट के से पहले जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो है ना, हमें अगर टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हम उसको यहाँ लिखते हैं ठीक है। यहाँ हम उसका एट्रीब्यूट लिखते हैं कि उस H1 का क्या एट्रीब्यूट है। अगर हम इसको सेंटर में करना हो या इसका कलर चेंज करना हो, कुछ भी हमें इसके साथ टेक्स्ट के साथ कुछ एडिटिंग करनी होती है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं। जैसे एंकर टैग है, ये एक एंकर टैग है ठीक है। अब इसके अंदर हम मुझे हमें कुछ, ये क्लोज क्लोज करते हैं ठीक है। अब इसके अंदर मुझे अगर इसको कुछ एट्रीब्यूट कुछ करना है ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसका वो लिखना पड़ेगा, एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर जैसे कलर चेंज करना तो मैं यहाँ पे कलर लिखूंगा, उसको मैं जो कलर मुझे देना वो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट ये होता है, टैग किसी भी टेक्स्ट में, टैग के अंदर एडिटिंग करनी होती है तो इसके लिए एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है, और एट्रीब्यूट ये है ठीक है। समझ गए होंगे आप एट्रीब्यूट क्या है। और ये सारी जिसको नहीं समझ में आया अगर किसी को, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे, क्योंकि अभी तो हमारा सारा काम ही जो है ना एट्रीब्यूट का ही होगा, हर टैग में एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा, तो वो आगे भी हम समझ जाएंगे, उसका कोई इतना मसला नहीं है ठीक है। रिसेंट वर्जन HTML हैज इन इन्वॉल्व ओवर द ईयर्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन HTML ठीक है। HTML जो स्टार्ट हुई थी वो 3.0 से हुई थी, फिर HTML 3.2 आई, फिर HTML 4.0 आई, उसके बाद HTML 5.0 आई जो कि 2011 में आई थी। उसके बाद इसका अभी तक फिलहाल कोई अपडेटेड वर्जन नहीं आया, लेटेस्ट जो वर्जन हमारे लिए है वो HTML5 ही है ठीक है। अच्छा स्टैटिक ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि HTML से हम वेब पेज एक बनाते हैं, जो हमने ये बनाया ये हमारा एक वेब पेज तैयार हो गया ठीक है। ये जो हमारा पेज है, एक पेज है, पेज बहुत सारी पेज तैयार हो गया, समझ लो वेबसाइट तैयार हो गई, क्योंकि 4 5 6 पेजेस बना दिए तो वो एक वेबसाइट हो जाती है, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ती है, वो एक वेबसाइट का लुक करती है ठीक है। तो इसको हम वेबसाइट ही कहेंगे ठीक है। अच्छा तो आप पेज जो होते हैं ना, जैसे हमारे पास ये पेज, ये दो किस्म के पेज होते हैं। अभी जो हमने ये काम इसमें किया है ये है हमारा स्टैटिक पेज ठीक है। स्टैटिक पेज सिंपल जो हमारा पेज है ना, स्टैटिक पेज है। देखो ये भी एक पेज है जो मैंने अभी खोला हुआ है, ये जो वेबसाइट है, ये भी एक पेज है, ये भी एक पेज है। इनमें डिफरेंट क्या है सिर्फ, अब इस पे आप देखें, इसमें जो है ये जो वेबसाइट का, जो वेबसाइट का पेज है मेरी, इसमें आप देख रहे हैं ये, आप सारी आपको पोस्टेस नजर आ रही है, मेरी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है ठीक है। तो ये सारी पोस्ट है ठीक है। ये सारी पोस्ट मैंने इस वेबसाइट के अंदर नहीं डाली है, हमने जैसे हमने यहाँ HTML फर्स्ट टैग लिखा है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ नहीं लिखी है, ये सारी चीजें मैंने अपने सर्वर के अंदर लिखी है ठीक है। एक और लैंग्वेज है PHP, ये सारी चीजें मैंने PHP के अंदर डाली है। PHP से, PHP और एक डेटाबेस, मैंने PHP से एक डेटाबेस क्रिएट हुआ, मेरी सारी चीजें ये डेटाबेस के अंदर है, डेटाबेस से मुझे यहाँ पर शो हो रही है, समझ रहे हो। ये इस पेज पे हमने नहीं लिखी, इसकी पेज के ऊपर नहीं है ये सारी चीजें, डेटाबेस से हमारे पास शो हो रही है। तो ये, और ये स्टेटिक पेज जो है ना, वो ये सिंपल सा पेज है जो मैंने यहाँ लिखा और कोडिंग में पीछे वो मुझे शो हो गया, ये है स्टेटिक पेज। और ये जो है ये, वो ये डायनेमिक, इसको डायनेमिक पेज कहते हैं। जिस वेबसाइट में, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन क्या है, स्टैटिक पेज टाइपिकली कंटेन टेक्स्ट हाइपरलिंक्स फोटोज एंड ग्राफिक, पेज में आल्सो कंटेन एनिमेट इंटरैक्टिव मीडिया सच एज मूवी क्लिप, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर, अदर मीडिया टाइप्स, पेज आर कॉल्ड स्पेसिफिक ठीक है।
अब इस पेज के अंदर मैं भले कुछ भी करूं, कोई तस्वीर लगा लूं, कोई वीडियो चला लूं, कोई कुछ भी, मैं जितना भी एडिटिंग कुछ कर लूं, लेकिन ये एक स्टैटिक पेज ही रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वही शो हो रहा है जो हमने पीछे कोडिंग में किए, जिसके हमने कोडिंग किए, ये सिर्फ वही शो कर रहा है, ठीक है। डायनेमिक पेज क्या होता है? डायनेमिक पेज आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिविटी सच एज फॉर्म्स टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन और सबमिट सेल इंटरनल सर्चेस विथ योर साइट रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन पर्सनल इंफॉर्मेशन मेंशन एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रीमियम कंटेंट, ठीक है। यानी ये कि इसमें डायनेमिक पेज में हम डेटाबेस से कनेक्शन, जैसे ये फॉर्म है, ठीक है, ये मैंने इसको फिल करके इसको सेंड करूंगा मैं, तो ये सारा डेटा मेरे डेटाबेस पर जाएगा, जहाँ मेरा डेटाबेस क्या होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, कि ये सारा डेटा मेरा कहीं किसी सर्वर पर जाकर वो सेफ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं कोई और बंदा लॉगिन करेगा तो वो सारी ये खुद ही ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा, अगर मैं इसको कहीं शो कराने में लगूंगा तो वो सारा शो होगा हमारे पास, ठीक है। इससे इसको डायनेमिक पेज से हम मेल कर सकते हैं, जैसे मेल का ऑप्शन है, ये हम मेल कर सकते हैं कहीं। डायनेमिक पेज का काम, स्टैटिक पेज का काम होता है सिर्फ पेज पर, जो काम हम चल रहा है पेज पर जो हो रहा है बस सिर्फ वही हो रहा है, और डायनेमिक पेज का काम जो होता है वो दूसरे पेजेस का डेटा यहाँ पर शो कराता है, यहाँ से डेटा जा सकता है। ये जो आजकल वेबसाइट तो सारी जो जितनी होती हैं वो सारी डायनेमिक ही होती हैं, जो हमारी जो हम डेटा सेंड करते हैं, जो हमारी जीमेल की वेबसाइट है और तराजू पीके की वेबसाइट हो गई और जो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी, वो सारी डायनेमिक होती हैं, समझ रहा हूँ। ये होता है स्टैटिक और डायनेमिक, आगे हम इसको डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें ऊपर से आपको सिर्फ ओवरव्यू आप बताया जा रहा है कि इंट्रोडक्शन क्या है, अब इसको तो एक एक चीज को डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ टैग थे जो रिमूव एलिमेंट यूज इंस्टेंट, ठीक है। एचटीएमएल जो हमारा 4 था, ठीक है, उसमें ये कुछ टैग्स थे जो हमने एचटीएमएल 4 में यूज करते थे, अब एचटीएमएल 4 में बंद हो गए, ये कुछ नए टैग्स हैं जो एचटीएमएल 5 में आए, ठीक है। ये पुराने टैग हैं एचटीएमएल 4 के, उनको रिप्लेस करके एचटीएमएल 5 में जो टैग्स आए वो ये रहे, ठीक है। ये वो टैग हैं जिनको टैग्स के बारे में पता है और थोड़ी एचटीएमएल अब थोड़ी बहुत जिनको आती है, ठीक है, उनके लिए वो ये आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसकी अभी आपको इतनी जरूरत नहीं है, जब हम टैग्स की वीडियो जब टैग यूज करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, HTML5 डिफाइन 8 न्यू सिमेंटिक एलिमेंट, ऑल दीज आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स टू सिक्योर करेक्ट बिहेवियर इन ओल्डर ब्राउजर्स, यू कैन सेट द CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी फॉर दिस HTML एलिमेंट्स टू ब्लॉक HTML5 लेआउट स्टाइल। अच्छा देखो, HTML5 जो है, अच्छा एक ठीक है, वेबसाइट का लेआउट, अब आपको मैं एक लेआउट बताता हूँ। देखो, एक वेबसाइट ही होती है ना, एक वेबसाइट होती है, ठीक है, ये ओपन करते हैं इमेज, एक वेबसाइट जो होती है, वेब पेज का एक लेआउट होता है, एक जो लुक होता है वेबसाइट का, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। एक होता है हेडर, हमारा ना हेडर है, ये हेडर है। अगर हम कोई भी वेबसाइट ओपन करें, जैसे कि एक मिनट, वेबसाइट खोलता हूँ मैं, अपनी अपनी ही वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। देखो, वेबसाइट है, इसको आप स्ट्रक्चर, इसका लुक समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, इस वेबसाइट जो है, एक वेबसाइट में क्या क्या होता है, हेडर होता है, नेविगेशन होती है, सेक्शन होता है, हेडिंग होती है, आर्टिकल होता है, असाइड होता है, फुटर होता है, ठीक है। हेडर क्या होता है, जैसे अब ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, अब इसका हेडर क्या है, हेडर ये है, ठीक है, ये जो हम मेरा अवैध साधन टेक्निकल लिखा हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन, ये एक वेबसाइट का मेरा हेडर है, ठीक है, ये हेडर है, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन क्या होती है, जिसमें हमारे मेन्यू होते हैं, मेन्यू होते हैं, हमारे पेजेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरे पास है, ये नेविगेशन है मेरी, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट के बारे में जो हमारा डेटा होगा, ट्यूटोरियल्स वगैरह यहाँ पे, और सारी चीज़ें जो होंगी ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बटन्स बना सकते हैं, ठीक है। अब और इसमें ये होता है कि अगर हम व्हाट्स न्यू पर क्लिक करें तो एक दूसरा पेज शुरू होगा, एक दूसरा पेज खुल जाएगा वहाँ पे, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है, ये सब वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है वो चेंज होगा। अगर जैसे हमने यहाँ पे एक अबाउट का, वेबसाइट का अबाउट के बारे में कंटेंट अगर कोई बनाया है, तो अगर मैं होम अबाउट पर क्लिक करूंगा तो
यहाँ पर जो वेबसाइट के बारे में जो अबाउट होगा ना वेबसाइट का, वो आएगा, सिर्फ वो चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर सारा कंटेंट हमारा चेंज होगा, ठीक है। ये सिर्फ ये चीज़ है। अब इसी तरीके से टाइप से यहाँ पे नेविगेशन बनाने पड़ते हैं हमें, इस टाइप के पेज बनाने पड़ते हैं कि वेबसाइट है इसके बारे में क्या है, वेबसाइट की अगर कोई गैलरी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक गैलरी का हमारे पास टैब हमें बनाना पड़ेगा उसमें, ताकि क्लिक करें तो उसके पास सारी यहाँ इमेजेस आनी चाहिए गैलरीज। तो एक वेबसाइट जो एक बेहतरीन वेबसाइट होती है उसका ये लेआउट होता है, ठीक है, ये लेआउट होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शंस होते हैं हमारे पास ना, सेक्शन क्या होते हैं, सेक्शन ये होते हैं, ठीक है। अब जैसे अब एक वेबसाइट है, ठीक है, अब उसमें हमें सेक्शन चाहिए। जैसे ये एक सेक्शन है पॉपुलर पोस्ट, ठीक है, ये एक सेक्शन आ गया पॉपुलर पोस्ट, ये एक सेक्शन आ गया, ठीक है, अबाउट का ये एक सेक्शन आ गया, ठीक है। अब ये जो पोस्टेस है मेरी HTML 5 की, जो ट्यूटोरियल 4 है, ठीक है, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, ये एक सेक्शन है। जैसे ये सोशल है, ठीक है, अब इसमें मेरे सारे सोशल हैं, जैसे फेसबुक का पेज है मेरी, ये यूट्यूब, ये फॉलो ईमेल का है, ठीक है, इस ये यूट्यूब का पेज है, ठीक है। तो ये मेरा सोशल सेक्शन है मेरा, तो यहाँ पे मेरा सारा सोशल जो मेरा नेटवर्क है ना वो सब वो यहाँ है, ठीक है। तो सेक्शन इस चीज को कहते हैं। उसके बाद जो है असाइड, असाइड क्या होता है, ठीक है, ये जो पूरा जो जा रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, देखो ये बॉडी है, ये बॉडी है, और ये जो है हमारे असाइड है, ठीक है, ये असाइड बार कहलाते हैं, यानी जो साइड में हमारा कंटेंट होता है, ठीक है। मेन कंटेंट तो हमारा ये है, मेन जो है एक वेबसाइट का जो बॉडी हम जिसे कह रहे थे, ये हेडर है, ठीक है, ये मेन है, ये मेन है हमारा। अब ये हमारे असाइड है, असाइड बार है, ठीक है, ये मेन बार है, ये साइड बार, ये दो साइड में ये असाइड बार है, ठीक है। असाइड बार के अंदर सेक्शंस होते हैं, ये सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आर्टिकल, अब ये हेडिंग और आर्टिकल क्या है, ठीक है, ये हेडिंग आर्टिकल, ठीक है। अब ये मेरी हेडिंग है, और ये मेरा सारा जो कंटेंट है ये सारा आर्टिकल है, ये मेरा आर्टिकल है, तस्वीर है, आर्टिकल की पिक्चर है, तो ये जो है ये हेडिंग है और आर्टिकल है, ये पोस्ट एक तरीके से बन गई, ठीक है। और फुटर, फुटर मैंने आपको बताया था, फुटर क्या है, वेबसाइट जहाँ कोई भी अगर वेबसाइट में भले जितनी लंबी वेबसाइट है, लेकिन जो वेबसाइट का एंड का मेरा कंटेंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे ये इसमें तो मैंने फुटर अच्छा बनाया भी नहीं, और वेबसाइट में आप चेक कराऊंगा बाद में कि फुटर किस तरह होता है, और अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं फुटर के, ठीक है। ये मेरा फुटर है, ठीक है, ये इतना हिस्सा जो यहाँ से मेरा यहाँ तक का जो हिस्सा है ये मेरा फुटर है, ये फुटर का एरिया होता है वेबसाइट का, ये सारा मेरा फुटर है। इसमें इसमें भी सोशल नेटवर्क्स होते हैं, वेबसाइट के अबाउट होते हैं, वेबसाइट का ओदर, उसके मैनेजर, एम्प्लॉयर वगैरह, सारे सबका डेटा यहाँ पर होता है वेबसाइट का ना, ये फुटर है, फुटर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट का जो होती है उसका शेप क्या होता है, ठीक है। वेबसाइट का ये हिस्सा फुटर है हमारा, ये फुटर है, ये असाइट है, ये मेन है, ठीक है, ये मेन है, ये सेक्शन है, ये सारी चीजें, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हम वेबसाइट अगर बनाते थे कोई, तो HTML 4 में तो कुछ चीज नहीं था, ठीक है। एक हमने बॉडी का टैग, जिस तरह मैंने आपको जो दिखाया है कि बॉडी हो गई, ये इस तरीके से होती थी HTML 4, बॉडी हो गई। अब इसमें हम तो कुछ लिख रहा, कुछ इसको जहाँ चाहिए वो लिख दिया, कुछ लिख दिया, कोई तरीकेकार नहीं था, कोई एक सही सेटिंग नहीं थी, ठीक है। HTML 5 में जो है उसमें इम्प्लीमेंट हुई है कि हर चीज का एक टैग मिल गया है, एक नेविगेशन है तो हमें नेविगेशन का टैग मिल गया, एक हमें लेआउट बन गया, हेडर है, हेडर का टैग हो गया, असाइड, असाइड का टैग आ गया, आर्टिकल का टैग आ गया, हेडिंग का टैग आ गया, फुटर का टैग आ गया, ये जो पहले नहीं थे, ये वेबसाइट में HTML 5 में न्यू लॉन्च हुए हैं, जिससे वेबसाइट बनाने में एक आसानी हो रही है काफी। अगर कोई नया अगर बंदा कोई वेबसाइट को रीड करे तो उसको आसानी से समझ आ जाएगा एक तरीकेकार। ये HTML 5 में जो है ना, ये नए एट्रीब्यूट्स आए हैं, ये नए टैग्स वगैरह आए हैं, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम आगे जब वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। स्टैटिक पेज, डायनेमिक पेज का मैंने आपको बता दिया। HTML में जो न्यू HTML के जो न्यू लेआउट थे वो ये हैं, हेडर, नेम, मेन, मेन के लिए सारे टैग्स हैं, ठीक है, ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और HTML 5 में और दो नई चीजें आई जो HTML 4 में नहीं थी, ठीक है, दो टैग्स आए, कैनवास का टैग और SVG टैग, ठीक है। SVG और कैनवास से क्या होता है कि हम ये बनते हैं, ठीक है, SVG ये, कैनवास ये है, ठीक है, दोनों टैग सेम है, सिर्फ क्वालिटी का और थोड़ी बहुत चेंज तरीकेकार का थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। ये SVG से बना है, ये कैनवास से बना है, इससे हम कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, राउंड, और
वगैरह इस टाइप का आपको कॉर्नर, राउंडेड, डॉटेड, वो हम सारे इस पे ना स्क्वायर्स वगैरह हम इस पे बना सकते हैं। ये एसवीजी से ये कैनवस के टैग्स है, ठीक है। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये हर ब्राउजर पर शो भी नहीं होते, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML क्या है, HTML का इंट्रोडक्शन, HTML5 एंड CSS3 जो हमारी है, ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन है ये मैंने आपको बताया है। ओवरव्यू इसका आपको मैंने एक बताया कि एक वेबसाइट में किस तरीके से जो एक वेबसाइट बनाई जाती है उसका क्या क्या लुक होता है, ये सारी ऊपर की चीजें हैं। अब इसकी एक एक चीज हमें डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। ये HTML के ट्यूटोरियल, ठीक है। अगर आपको HTML CSS में अगर हम जाएं, ठीक है, तो ये सारे ट्यूटोरियल्स हैं। ये हमने आज ये इंट्रोडक्शन का जो ट्यूटोरियल है वो हमने करा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ यूज टेक्स्ट इन HTML, कि HTML जो है उसमें टेक्स्ट किस तरह हम यूज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको मेन्यू वगैरह के आप बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद लिंक्स वगैरह का बताऊंगा, ठीक है। अभी आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। वीडियो वैसे ही काफी लॉन्ग हो चुकी है, बहुत लॉन्ग वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है, ट्यूटोरियल भी काफी लंबा हो गया है, ठीक है। ये HTML का आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम दूसरी चीजें कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई हो, ठीक है। नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखें, उसको दोबारा आप इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस लाजमी करें। प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी है। प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, किसी को मुश्किल लग रहा होगा ये उसको, लेकिन आप कोशिश करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए किसी को तो वो कमेंट में मुझे बताए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, या मेरे डिस्कशन फॉर्म पर कमेंट करें, या अगर कोई चीज़ रह गई हो इंट्रोडक्शन में जो मैंने नहीं बताई हो, ठीक है, आप कमेंट करें, मुझे बताएं कि ये जो है ये चीज़ रह गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे रिकवर करूंगा। और जो नई नई चीज़ें हैं जो मुझे पता लगती जाएंगी बाद में, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकवर कर दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों से बस एक मेरी गुजारिश, एक एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है, ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे, और मेरे चैनल को सब लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और साइबर हैकिंग वगैरह की चीज़ें सारी मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। ये मेरा फेसबुक पेज है, इसे आप लाइक कर लें। ये यूट्यूब पर सब्सक्राइब बटन है, अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।